अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आलू का भरता कैसे बनाया जाता है। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें मैंने 1.5 किलो आलू लिए हैं। इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है पहले तकरीबन 20 मिनट के लिए, और 3 बड़ी प्याज मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, हाफ जिंजर बारीक कटा हुआ, 2 टीस्पून सॉल्ट, नमक, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च एंड हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे सफ़ेद जीरा यूज़ कर रही हूँ, 8 ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और एक बड़े साइज़ का टमाटर। पोटैटो जो मैंने बॉईल कर लिए थे इसे मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगी और साथ ही मैं इनमें ये इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूँगी, एक बड़े साइज़ का टमाटर, 8 हरी मिर्च, ये सारे मसाले एक साथ, जिंजर कटा हुआ और हरा धनिया भी। इसे अच्छी तरह मैं मिक्सअप कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह हल हो जाए बिल्कुल बारीक। इसे मैं अच्छी तरह ऐसे तोड़ लूँगी ताकि ये मिक्सअप हो जाए सारा मसाला। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्सअप कर लिया है। अब मैंने ये जो अनियन काट के रखी थी 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल के गर्म कर लिए हैं, इसमें मैं अनियन डाल दूँगी कटी हुई और इसे अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी लाइट ब्राउन होने तक। 5 मिनट लगे मुझे प्याज को ब्राउन करने में, लाइट सी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था। मिक्सचर डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह मिक्सअप कर लूँगी। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह मैं इसे भून लूँगी और फिर इसे मैं हल्की सी आंच पर रख दूँगी पकने के लिए। 10 मिनट बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। आलू का भरता बनके तैयार हो गया। मैंने आपको बताया था इसको मैं हल्की आंच पे भून लूँगी और फिर इसका मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी। तकरीबन 10 मिनट लगे मुझे इसे तैयार करने में। अब ये तैयार हो चुका है। आलू का भरता बनके तैयार हो चुका है। कुछ टाइम लगा मुझे इसे तैयार करने में और मैंने इसको इसकी आसान रेसिपी आपको बताई है। अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।